हरदा ज़िले के SDM सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस फैक्ट्री को लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या ये अवैध फैक्ट्री थी? क्या कुछ खामियां थी इसमें? नहीं, अभी तो हम मतलब उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी जो है कुछ समय से आया हूँ, तो मैंने अभी जांच नहीं किया उसकी, तो उससे जांच के उपरांत पता लगेगा। हमने जांच रिपोर्ट मांगी है तहसीलदारों। ये जो बारूद था, उसकी क्षमता कितनी होती है, कितने रखने की अनुमति होती है, और उससे ज़्यादा उसका जो है ना लाइसेंस में रहता है, वो लाइसेंस देख के ही मतलब बता पाएंगे कि क्या है। दीपावली पर इस फैक्ट्री को सील भी किया गया था? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा बताया नहीं मेरे को। तो जो जानकारी मिली है कि दीपावली पर इस फैक्ट्री में कुछ अवैधताएं पाई गई थी, उसके कारण उसे सील किया गया था, फिर बाद में नहीं, उसे अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर हादसे हुए हैं इस फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री को लेकर सवाल हुए कि भाई रिहायशी इलाकों में एक मंजिला नहीं बल्कि दो मंजिला ये फैक्ट्री थी जो कि अवैध थी। नहीं, मुझे अभी क्या, मैं अभी कम समय हुआ तो मुझे जानकारी नहीं है कि कब क्या दुर्घटना हुई, क्या हुआ है। सर, अब तो 24 घंटे हो गए, कुछ तो जानकारी अब आपके पास होगी कि भाई ये अवैध थी कि नहीं थी। वर्तमान की जानकारी दे सकता हूँ, जो वर्तमान में जो है, मतलब कि मलबा हटा रहे हैं, हमें NDRF SDRF की टीम की मदद लेके फायर ब्रिगेड के माध्यम से सारी चीज़ें कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। ये तो सर दिख ही रही है, मगर अब जो जनता में गुस्सा है, जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, वो पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई अवैध फैक्ट्री थी, कैसे चल रही थी, क्या कुछ इतने दिनों तक कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वही तो बता रहे हैं आपको कि जो बताने लायक चीज़ें हैं वही बता पाते हैं। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है सर ये? कौन अनुमति देता है? दंडाधिकारी अनुमति देते हैं, वही बता पाएंगे उस पर। आपको कोई जानकारी नहीं? जो जानकारी है मैं बता दिया आपको। चलिए, तो जानकारी फिलहाल तो इतनी ही है कि मलबा हटाया जा रहा है, SDRF और NDRF की टीम तैनात है। कैमरा पर्सन यशवंत के साथ शुभम गुप्ता, टीवी।